तो आज हम बनाने जा रहे हैं खमन ढोकला, जिसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन नाप कर ले लिया है। आप अपने अनुसार ले सकते हैं। सबसे पहले एक बॉल में डाल देंगे, फिर एक चम्मच चीनी, एक चुटकी हल्दी, एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे अच्छी तरह फेंटना है। देखिए, एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। ये देखिए, इसी डायरेक्शन में हमें फेंटना है। इसमें अभी आधी चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें आधा नींबू डालेंगे, नींबू का रस। आधे नींबू लिए हैं। अच्छे से निचोड़ लेंगे। अब इसे खूब अच्छी तरह फेंटेंगे। 15 मिनट तक इसे फेंटते रहेंगे, जब तक इसमें फ्लॉपी ना आ जाए। इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है, नहीं तो ढोकला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे डायरेक्शन में जाएगा तो ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह फिटा चुका है। देखिए, इस डायरेक्शन में हमेशा इसका रेसिपी रहना चाहिए। देखिए, एक ही डायरेक्शन में, देखिए इसमें फ्लॉपी आ चुका है। अब इसे आधे घंटे के लिए, रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे, ढक कर रख देंगे। हाँ दोस्तों, आधा घंटा हो चुके हैं, अच्छे से फूल चुका है। देखिए इसका कंसिस्टेंसी, देखिए अच्छे से फूल चुके हैं। चलिए, स्टीम करने के लिए हम पानी आगे डाल दें कढ़ाई में। आप कुकर, कुछ भी बर्तन ले सकते हैं। मेरे पास अभी कढ़ाई अवेलेबल है तो मैं यही ले रही हूँ। थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी, तब तक ये गर्म हो। इसे ढक देंगे। अब हम इसमें इनो डाल देंगे एक पैकेट। आप इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी डाल सकते हैं। इनो डालने के बाद तुरंत 2 मिनट फेंट कर हम इसमें दूसरे बर्तन में डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनो डालने के बाद ये अच्छे से झाग पैदा करेगा, तब हम समझ जाएंगे कि ये हमारा बैटर तैयार है बनाने लायक। ये देखिए, इसमें झाग आने शुरू हो गए हैं। जब इसमें ऐसे झाग आने लगे, तब हम समझ जाएंगे कि मेरा ढोकला बनने लायक तैयार है। देखिए, अच्छे से फेंट चुके हैं हम इसको। कितना सुंदर, ये देखिए एक तार में गिर रहा है, फ्लॉपी भी हो चुका है, इसमें से झाग आने शुरू हो गए हैं। अब हम दूसरे बर्तन में इसको थोड़ा ग्रीस कर लेंगे और इसी में डाल देंगे। लेते हैं, अब हम इसे ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल डालकर। मेरे पास जो सामान अभी अवेलेबल है, मैं उसी में बना रही हूँ। आप रोटी कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पास जो सामान है, मैं वो ले रही हूँ। अब इसमें ये बैटर डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए फिट हो चुके हैं। अब हम इसे स्टीम करने के लिए कढ़ाई में रख देंगे। 20 मिनट बाद चेक करेंगे। आइए दोस्तों, चेक करते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में चेक करते रहना भी ज़रूरी है। अभी नहीं हुआ है, चक्कू में लग रहा है। अभी 10 मिनट और लगेंगे और हमारा गैस का जो फ्लेम है वो हमेशा लो मीडियम रहेगा। 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, ये देखिए। चलिए चेक करते हैं कि ढोकला तैयार हुआ कि नहीं। साइड से हम ऐसे चाकू से चेक करेंगे। ढोकला तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद ढोकला की चाशनी तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे ढोकला की चाशनी बनाने के लिए।
थोड़ा सा और डाल देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है और अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। उसके बाद इसमें सरसों, तेल गर्म हो चुका है अब इसमें थोड़ा सरसों डाल देंगे, चटकने देंगे। उसके बाद हरी मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डाल देंगे। अब इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे। ये देखिए ये सारे हो चुके हैं, भुना चुका है। अब इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। ढोकला पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम थोड़ा इसमें और पानी डालेंगे। ये देखिए आधा गिलास और डाल देंगे। अब हम चीनी डाल देंगे। मैंने चीनी 3 चम्मच बड़े चम्मच से नाप कर ली है, क्योंकि ढोकला में भी मैं चीनी जो बेटर बनाई थी उसमें डाली थी, तो 3 चम्मच मेरा चीनी है। आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें नींबू डाल देंगे, नींबू का रस जो मैंने पहले से गाढ़ कर रखा है, निचोड़ कर रखा था पहले से ही, 2-3 नींबू था मेरा। और इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। चाशनी को ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, बस चीनी घुलने तक पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। चलिए तब तक देखते हैं, मेरा ढोकला ठंडा हो चुका है। ये देखिए चारों ओर से ये ढोकला छोड़ चुका है। अब इसमें हम दूसरे बर्तन में पलट देते हैं। ये देखिए ये देखिए स्पंजी ढोकला बना है, बहुत खूबसूरत है। अब इसे हम चाकू से काटेंगे। ये देखिए मैं इसे हाथ से भी उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना मोटा और अच्छा शेप आया है, और स्पंज भी आया है, स्पंजी भी आया है। देखिए ये दबाने से दब रहा है और उठ जा रहा है। तो ढोकला परफेक्ट बनने के लिए ऐसा ही होना चाहिए। अब इसे हम काटेंगे। ये देखिए हम चाकू की सहायता से हम काट रहे हैं इसे। चलिए इस पे हम अब तड़का दे देते हैं। ढोकला हमारा चाशनी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ढोकला पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ये देखिए हमारा ढोकला तैयार है, सुंदर और स्पाइसी ढोकला, घर के कुछ सामानों से बना नॉर्मली ढोकला, जो बहुत आसान तरीके से बन गया। ये देखिए ये देखिए, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। घर के कुछ सामानों से आसान तरीके से बना गुजराती खमन ढोकला। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।